ऑल राइट है वेलकम है मेरे इस चैनल में मेरा नाम है सारवीन और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैं बहुत सारी फोटोज़ डालता हूँ और अपने ट्यूटोरियल डालता हूँ सो थर्टी वन के लिए थैंक यू सबको यार इतना आपने सपोर्ट करा है। और आज इस फोटो का ट्यूटोरियल बताऊँगा और जो मैंने ये रील डाल रखी है आप रील में जाके चेक कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रील बनाई है मैंने इसमें एक एयरपोर्ट्स वाला इफेक्ट यूज़ हुआ है जो आपकी एप्पल की कमर्शियल में यूज़ हो रखा है फेस को सेंटर में कैसे रखते हैं सो so, अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना मैं जरूर बताऊंगा और इस फोटो के टूटोरियल की तरफ मैं इंक्री बढ़ता हूं जल्दी से और अगर आपको ये सारा एसेट चाहिए होगा ये प्लेन ये ऊपर मून तो ये सब एक में है पूरा अच्छे से मैंने ब्लेंड कर रखा है ट्यूटोरियल के लिए आपके लिए सो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके बड़ी जल्दी से ठीक है वहाँ आपको मीडिया फायर या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आ, वेबसाइट भी आने वाली है सो उसके लिए भी सपोर्ट रखना सब गाइज और यहाँ पिक्सार्ट में आ जाता हूँ मैं जल्दी से सो थोड़ा फ़ोन को रोटेट कर देते हैं अभी जल्दी से अ फोटो में आ गए और यहाँ सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ जल्दी से सो यहाँ ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मैंने बैकग्राउंड क्रिएट कर रखा है और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जस्ट बिल्कुल ऑसम ऑथेंटिक लुक बना रखा है इसे मैंने बहुत प्यार से डिज़ाइन कर रखा है आपके लिए और उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है सो यहाँ जाके मैं ऐड कर देता हूँ फ़ोटो में और ये और ये ऐड करना है मुझे दोनों चीज़ें ऐड करनी है ये हेज़ है जो आपको अपने इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करनी है अब मॉडल को कैसे प्लेस करना है अराउंड आपको देखना है कि जहां आपकी प्लेसमेंट है वो परफेक्ट है कि नहीं है तो मैंने जस्ट आइडिया रखा था कि मेरे शोल्डर तक आए ये मून और मुझे परफेक्ट लगेगा अगर मेरे शोल्डर के वहाँ तक आता है आराम से मून और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ठीक है तो जस्ट इतना अगर मैं देखूं तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है ठीक है उसके बाद मैं टिक कर दूंगा यहाँ पे, या ये भी अभी मुझे ड्रैग करना था ये हेज़ है और इसको जस्ट आपको ऐसे प्लेस करना है इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं वहाँ ग्लो कितना प्यारा क्रिएट हो जाएगा चाहे आप कहीं पे भी रखें ग्लो क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लो क्रिएट करके मैं रख देता हूँ थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए हो और यहाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इधर प्लेस कर देता हूँ अच्छे से और यहाँ बिल्कुल सही लुक क्रिएट हो गया अब इसे सेव करके मैं डायरेक्ट जम कर जाता हूँ अपने लाइट रूम की तरफ लाइट रूम में जल्दी से जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार और वीडियो को लाइक कर देना सो so, यहाँ ये फ़ोटो आ गई है अब इसमें थोड़ी इंटेंस और अलग टाइप की कलर ग्रेडिंग है जो आपको सीखनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें मैंने अलग अलग कर रखी हैं सबसे पहले तो यहाँ आपको स्प्लिट टोनिंग के लिए आना पड़ेगा स्प्लिट टोनिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है और जो हाइलाइट्स में है वो है कलर येल्लो वाले तो जहाँ भी मेरे हाईलाइट्स हैं वहाँ मेरे को येल्लो कलर चाहिए तो आप देख सकते हैं अब हाइलाइट्स के लिए मैं येलो में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से वहाँ येलो येलो फील हो गया अगर मैं वो करके दिखाऊं आफ्टर एंड बिफोर तो कितना फ़र्क आ गया अब शेडो में मेरे को चाहिए लाइक ब्लू टाइप सा या सयान टाइप सा जैसा आपको अच्छा लगे तो लाइक ब्लू अगर मैं थोड़ा सा भी रखता हूँ सेचूरेटेड हल्का सा तो वो काम कर जाएगा मेरा उतना लेकिन बैलेंस में मेरे को थोड़ा ऑरेंज ही चाहिए तो मैं ऑरेंज की तरफ ही शिफ्ट रहूँगा और यहाँ कर दूंगा इस चीज़ को डन स्प्लिट टोनिंग हो गई है मेरी यहाँ पे अब बस आता हूँ मैं क्लैरिटी की तरफ क्लैरिटी मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल्स दिखानी है मुझे और उसके बाद टेक्स्चर पुट करने है थोड़े से और विनीट इसमें बहुत ज़रूरी है बिना विनीट के फ़ोटो कुछ नहीं है और विनीटिंग बहुत मैंडेटरी है इसमें अब उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो डिहेज कर सकते हैं आप थोड़ा सा जिससे आपके थोड़ी मूड ही आ जाएगा मूड इन्वायरमेंट देख सकते हैं आप जितना आपको मूड चाहिए उतना कर सकते हैं आप तो मैं ज़्यादा नहीं मूड की तरफ जा रहा अभी इतना ही रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मिक्स में और यहाँ जो येलो वाला सेक्शन है येलो वाले सेक्शन से मैं थोड़ा शिफ्ट होता हूँ ऑरेंज की तरफ और ऑरेंज वाला मैं थोड़ा पॉप कर देता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी हो गई है एकदम से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आ गई है आप ब्लू की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ पर यूएन सेचुरेशन से थोड़ा प्ले करके मैं देख सकता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा से भी नहीं चाहिए होता है और मैं सैचुएशन इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ी सी और यहाँ हिट कर देता हूँ डन और यहाँ मेरा काम हो चुका है इस चीज़ का अब मेरे को थोड़ा सा करना है कर्व्स में जाके थोड़ी उंगली करनी है यहाँ भाई ये, ये परफेक्ट पार्ट होता है जब आप सारी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं तो शेडोज के साथ लिटिल बिट आप ले कर सकते हो और वाइट्स मेन है क्योंकि मून में ग्लो है और ब्लैक्स थोड़े से भगा देता हूँ मैं हाईलाइट से मैं थोड़ी डिटेल्स रिकवर कर लेता हूँ और एक्सपोजर मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं बस थोड़ा इंक्रीज और कंट्रास्ट क्योंकि ये फील डालता है और मूड डालता है और यहाँ मैं कर देता हूँ डिवाइस सो यहाँ ये आपकी फ़ोटो कंप्लीट हो गई है एंड थैंक यू गैस इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और ये बहुत ही ईजी टू था और इसमें कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था जल्दी जल्दी स्टॉक डाउनलोड करें नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो भी अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए और पी सी एट भी आने वाला है सो कमेंट डाउन कर देना जितनी भी एक्साइटमेंट हो ज़रूर बताना थैंक यू गाइज़